बाबू थोड़ा सा झूले झूले। चल रेप का केस डलवाऊंगी तेरे ऊपर। बहुत है ना लूट रही है तू। ये क्या है? ये वही वीडियो है जो मैं दिखाना चाह रहा था उतने टाइम से। तुम पागल आगल हो गए हो क्या? क्या अब बता भैया, रो मत। को पता है मेरे दो दिल है ना, तो उसमें से एक दिल आपके पास है और एक मेरी बहन। तो हाँ जी, से स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रकाश वध इंटरनेट। दोस्तों में प्रकाश एक प्रेम भैया, इनको तो आप जो आप लोग जानते ही होंगे। ये जो इंसान दिख रहे हैं ना, इनके बारे में हमको बताने में जो है ना शर्म आ रहा है कि आजकल के नौजवान हमसे उम्र में भी भाई सब लग रहे हैं कि बड़े होंगे। ये सब यहाँ पे आके ये सब गलती करते हैं। आपका परिवार यहाँ पे क्यों भेजा है भैया, आप इतना ही बात बता। हम इनके कुछ इनके बारे में बताना चाहते हैं। यहाँ किसी दिल्ली में किसी लड़की से प्यार की, उसके बाद वो लड़की धोखा दे रही इनके 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 जैसा चार पांच लड़कों के साथ और अफेयर उसका चल रहा है। तो एक बार हमको तो जो बताया ना, हमको पता है एक का वही हालत की है। आप पागल लग रहा है कि आप पागल हो गए हो, उस तरह आपका हालत हो गया है। बताओ, मैंने कैमरा लगा दिया जिस काम के लिए आप मेरे पास इंस्टा पे इतना भर भर के मैसेज कर रहे थे ना, तो बताओ आई प्रेम भैया आपको कहाँ से संपर्क हुआ? इसे मैसेज तो मेरे पास किया था लेकिन मैंने इसका मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। मैसेज किया, मेरे पास भी मैसेज आए, जब दो तीन दिन हो गए, परेशान बहुत ज्यादा हो गया। तो जाके मैंने जब अपना बोला ना प्रॉब्लम, हमको इसका मन नहीं कर रहा था मदद करने के लिए। लेकिन भैया अगर लेकिन क्या करे यार, हम ऐसे किसी को छोड़ नहीं सकते ना। लेकिन अपने बाप माता को धोखा नहीं दे रहा था भाई, तो रहा मैंने उसको, हमको इसलिए छोड़े थे कि पहले इसको अपने रास्ते पर आ जाने दीजिए। लेकिन फिर जब आप बोले ना, तभी मैंने बोला कि आपके पास लेके चलता हूँ, आप बेटर चीजें समझते भी हो। आप बोले कि हमको लग रहा है कि ज्यादा क्रिटिकल हो रहा है। भाई जो भी है ना एक बार बताओ ऑन कैमरा, हमको तो बता रहे थे, इतना बड़ा बड़ा ढाड़ा ढाड़ा लिख लिख के बता रहे थे। क्या करूँ भैया, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज्यादा ही परेशान हो गया। आप लोगों से संपर्क इस वजह से किया मैंने, हद से ज़्यादा मुझे परेशान कर दिया है उसने बहुत ज़्यादा। मेरी फैमिली मुझे समझाती थी कि मत करिए, सब सब दोस्तों यारों ने सब ने बताया मेरे को, लेकिन मैं नहीं माना, अंधा हो गया था, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। आपको प्यार ना हो गया था उससे? कसम से आप मारो मेरे को, जूता निकाल के। मैं बहुत मारने वाली बात परेशान हो गया उसको समझने की, जूता मारने से हो जाएगा सब ये चीज़। तो तूने ये जो आज तूने करा है उस टाइम पे, लेकिन मैं क्या करूँ बताओ। तू पागल हो गया भाई, तू जो पागल हो गया बिल्कुल, उसने हद से ज़्यादा मुझे पागल कर दिया। तुम्हारा मेरे से ज़्यादा उम्र है ना यार, हालत बना के क्या हो गया हालत देख रहे हो क्या है यार? तुम्हारे घर वाले क्यों भेजे यहाँ पे, तुम ही बताओ। तुम्हारे घर वाले क्यों भेजे यहाँ पे यार? अपने आप लोग देख रहे हो यार, इकलौता बेटा भाई, इकलौता बेटा। जूता मारने से हो जाएगा आप ही बताओ। आपके परिवार को आपको भरोसा है कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा? कुछ तो होगा ऐसा। आपके माँ बाप को आशा होगा ना मेरा बेटा जब बड़ा होगा, बड़ा तो हो ही गए हो कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आप किसी लड़की को, अपनी फैमिली को, घर वालों को, दोस्तों को, किसको किसको जवाब दूंगा? माँ बाप समझ जाते हैं, माँ बाप की टेंशन नहीं होती, माँ बाप समझ जाते हैं यार उस चीज को। तो तुम भी समझना चाहिए ना, ये चीजें करने से पहले सोचता है ना, आज सोच रहा है। एक बार जो भी आपके साथ हुआ ना प्रेम भैया, इनसे जानने देखो, अभी तो न हो तो आँख से आंसू आ रहा है मेरे आपका बात सुन के। जो हुआ ना, जो लड़की आपके साथ जो गलत की है, एक बार मैंने कैमरा लगा दिया है, अब बता भैया। रो मत यार, रोने से दोस्त कुछ भी नहीं होने वाला है यार। रो मत यार, इतना बड़ा हो गया तू रो रहा है। लड़का बहुत मुश्किल से रोता है, तेरे साथ गलत हुआ है यार, हम मान रहे हैं ना। रोने से नहीं होता है ना भैया, मेरी हालत ऐसी नहीं थी, मैं नहीं बहुत मजबूत था। लेकिन कहां से मिली, कहां से तू क्या, अगर इतनी चीजें क्या कैसे कैसे तुम लोग का मिला भैया? पर तुम्हारा जो लव लाइफ का स्टोरी था ना, एक बार ऑन कैमरा तुम बताओ। हम लोग ऐसे ही मिले थे, मतलब एक रेस्टोरेंट में गए हुए थे, तो वहीं पे कॉफ़ी वगैरह पी रहे थे, तो साइड में बैठ के ऐसे मतलब नॉर्मल बात हुई। तो धीरे धीरे हमारी बात होने लगी, स्टार्ट हो गई, फिर धीरे धीरे प्यार व्यार हो गया, फिर मिलना जुलना, रिलेशन बहुत आगे बढ़ गया। मतलब ये समझ लो कि मतलब ऐसा अटैचमेंट हो गया था कि मत कुछ कुछ मत पूछो, मुझे सब कुछ वही लगने लगी थी। बस मैं सोच तो दिमाग में नहीं आ रहा था मेरे, कुछ भी नहीं आ रहा था उसके सिवा, मेरे को कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। हालत से पता लग रहा है तू पता नहीं क्या कर रहा है उसके चक्कर में, लड़की के चक्कर में। कभी ऐसे कोई करता है क्या जैसे तुम कर रहे हो? माने आपको पता लगे कि वो फ्रॉड है, कैसे पता लगा? कहीं देखे होगा किसी के साथ? मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को भैया फोटो दिखाई थी उसकी, साथ में मतलब ये तो वीडियो ही बोल रहे थे कि वीडियो भी है उसकी, और है फोन में आपके अभी? हाँ फोन में है मेरे। दिखाना। हाँ मैंने देखी प्रेम भैया जो भेज, आप तो एक ही ना भोजे थे? मैं तो एक ही भेजा था ना भैया। मैं तो क्या करूँ भैया, बताइए आप ही बताइए। अभी जिसने तो मेरे को यही कहा ना कि एक मैं आपको पता, आप आपको बताती है सब चीज़?
मेरे को कुछ भी नहीं, सब छुपाती है मुझसे, कुछ भी नहीं बताती है, ऐसा दिखाती है कि मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे सिवा उसका और कोई है ही नहीं दुनिया में। एक बार हम भी सुनिए ना प्रेम भैया, हम लोग भी एक बार देखना चाहते हैं कि आपसे वो कितना प्यार करती है, सच में प्यार करती है कि कुल पैसे के लिए प्यार करती है। मैंने कैमरा लगाया है आपके पास, एक प्रूफ हो जाएगा। वो जैसे कहती है ना, आप उसके अनुसार से चलना। अभी जब उसका बात खत्म हो तब उसके बाद आप उससे बात पूछना, उसको बताया जो ये चीजें मैं मतलब वीडियो आ गई मैं अभी बताना भी अभी मत बताना, ये कैमरे के सामने बताना ठीक है ना, उसको दिखाना, तब आपके पास उसके सच्चाई जो है ना तुम्हारे पास आ जाएगा ठीक है। रिकॉर्ड करेंगे तो उसके तुम खिलाफ कंप्लेन कर, जो भी तुम्हारा पैसे खाई है, हम सोचे 2-3 लाख तुम्हारा ले चुकी है वो। बहुत भैया बहुत लूट लिया मेरे को, लेकिन मैं उस अभी भी मेरे को ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा यार। तू अकेला, कोई दिक्कत नहीं बेटा, तुझे तो समझदारी, माँ बाप के बारे में भी सोचना चाहिए। माँ बाप अपने बच्चों से बहुत ज्यादा सपना रखते हैं, मेरा बच्चा बड़ा होगा तब माँ बाप को बुढ़ापे में सारा। मैं वही सोच रहा हूँ, मैं उनको अपना कोई बात नहीं, देखो गलती इंसान से होता है, जब गलती की हो ना तो तुम्हारा पैसा भी लौट आएगी। इस कैमरे के सामने सभी पब्लिक से माफी भी मांगेगी, बस तुम उसको बुला दियो ना, कॉल कर दियो ना। पहले बता रहे हिम्मत रखना तो उसको आने दो, उसको पता नहीं लगना चाहिए तुम्हें कैमरा लगाया, माइक छुपा लो तुम, बाकी आती हो तुम बात करना ठीक है। हम लोग अभी कैमरे के पीछे जा रहे हैं, डरना बिल्कुल नहीं है ठीक है ना, हम लोग यहीं पे हैं ठीक है। जूता पहन लो, ये सब उसके सामने नहीं चलना चाहिए, चलिए ठीक है, माइक छुपा लो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर कैसे कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ ठीक हूँ? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा, वो क्या हाल बना रखे तुमने अपना, ये है कैसे बाल वाल क्या कर रखे हैं, क्या थे? ऐसे ही मैं आ गया था उठ के, बस ऐसे ही मैं ठीक करो ना इन्हें। हाँ ठीक है, बस बहुत है बाबू, थोड़ा सा झूले से ना, चलो बस ठीक। बस कुछ नहीं, आज बहुत मिस कर रहा हूँ। बताओ मेरे से कितना प्यार करते हो? प्यार का तो तुम्हें पता ही है ना, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, सच्ची में। हम्म, करके दिखा, मैं भी करूँ। क्या हुआ, परेशान लग रही हो, क्या हुआ? परेशान नहीं तो मैं परेशान क्यों, एक किस और लोगों ने बाबू प्लीज प्लीज ठीक है ठीक। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे क्या परेशान है, तुम मुझे परेशान लग रहे हो, क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, बस मिलने के लिए बुलाया था, बात करनी है आपसे मेरे को, बात करनी है। हाँ प्लीज झूला झुला दो ना एक बार, ऐसे जैसे तुम झुलाते वैसे ही झुला दो। हाँ पक्का, प्लीज चलो। ठीक है, काफी है? हाँ। क्या हुआ? बैठो और बताओ। मैं ठीक हूँ, बस फोन वोन कर रहा था, आप फोन वोन उठा ही नहीं रहे हो, कॉल मिस कॉल है, बिजी थी पढ़ाई में ना इस वजह से। हाँ तो मेरे लिए तो थोड़ा फ्री रह लिया करो ना, मतलब आप मेरे हमेशा बिजी रहते हो, मतलब थोड़ा सा बिजी थी ना। क्या हो गया ऐसे, मतलब तो मेरा तो रिप्लाई कर लिया करो ना थोड़ा, मैं देखो टेंशन हो जाती है मेरे को, कितना परेशान हो रहा था मैं, कॉल वॉल कर रहा था, मैसेज वगैरह कर रहा था सब। ठीक है सॉरी वाली कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, अब हम एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं। हाँ वो तो ठीक है, आपको पता है मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। पता है मुझे कितना प्यार करती हो आप, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। आपको पता है मेरे 2 दिल है ना, तो उसमें से 1 दिल आपके पास है और 1 मेरी फैमिली है ठीक है। पक्का? सच्ची में मुझे पता नहीं था लेकिन अब पता चल गया। तो आप जान गए ना अब तो? पहले भी तो पता था मेरे को। सच्ची में? हाँ बस वही अब वेट कर रहा था मैं, बैठ के यहाँ पे पार्क में बहुत देर से। अच्छा। क्या कब आओगी कब आओगी, अभी वेट करते करते टाइम हो गया। ऐसे क्यों बुलाया? ऐसे ही बस मन कर रहा था मेरा मिलने का तुमसे। अच्छा। बहुत दिन हो गए ना मिले नहीं थे, इस वजह से, और बस बात करनी थी तुमसे मेरे को प्लीज। अच्छा। क्या बात करनी है ऐसी? तुम सच सच बताना मेरे को प्लीज, मेरे को धोखा तो नहीं दोगी ना? आज मैं बहुत खुश हूँ, आज तुम जो पूछोगे बताओ, मेरे को धोखा तो नहीं दोगी ना? नहीं। पक्का? नहीं बाबू ऐसा कुछ भी नहीं है, पक्का सच बताऊंगी यार, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे मिलके, पता है इतना अच्छा लग रहा है तुमसे मिलके इतने दिनों बाद। मेरे अलावा किसी और से भी बात करते हो तुम? नहीं मैं, ये क्या बोल रहे हो तुम, मैं क्यों बात करूंगी किसी और से, पागल हो क्या? नहीं मुझे यार, पता मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम ऐसे मत सोचो। नहीं इसने बोला तुम्हें सब चीजें, ठीक है दूर रहो मेरे से, लेकिन मेरी बात सुनो, मेरे को पता लगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ।
नहीं बाबू ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो तुम्हारे लिए, मेरे को धोखा दे रही हो तुम। पागल हो क्या यार, क्या बोले जा रही हो इतनी देर से? मैं तुम्हारे प्यार करती हूँ। हाँ ठीक है, मेरे पास है प्रूफ। क्या प्रूफ? मेरे पास प्रूफ है। क्या प्रूफ? मैंने देखा था। क्या देखा था? देखा है मैंने। क्या देखा? मेरे पास प्रूफ है। हाँ मेरे पास प्रूफ है। तुम मेरे अलावा औरों से भी बात करती हो? और कितनों से बात करती हो मेरे अलावा? किसी से भी नहीं बात करती। मुझसे दूर रह के बात करो। कोई बात नहीं, आ जाओ बैठो, आ जाओ। कोई नहीं, मुझे नहीं। ऐसे कैसे कर सकते हो यार? नहीं मेरे को ऐसा लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, पक्का। अभी मजाक में मत सोचना, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, ठीक है? मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ यार, तुम ऐसे कैसे सोच रहे हो? गलत है तो। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ तुम मेरे से प्यार करती हो, पर सच बताओ मेरे को, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, मुझे सच बताओ। बाबू ऐसा कुछ भी नहीं है, सच्ची में तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे धोखा नहीं दे रही हो तुम, या तुम्हारे मेरे अलावा कोई और नहीं है तुम्हारी लाइफ में? प्लीज 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 बताओ मेरे को। मैं तुमसे प्यार करती हूँ सच्ची में। आओ बैठो बैठो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। किसने बोला तुम्हें मैं तुमसे? मेरे पास प्रूफ है, पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं अपने दिल से तुम्हें बहुत चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता, लेकिन अब नहीं लग रहा। लेकिन क्या प्रूफ है? प्रूफ है मेरे पास। ऐसा कुछ भी नहीं है बाबू, कुछ भी नहीं है। तुम, मुझे भरोसा है तुम पे। ऐसे मत सोचा करो, मैं सच्ची ठीक है, मैं अब नहीं सोचूंगा, अब नहीं सोचूंगा, नहीं सोचूंगा। मेरे को पता है, मेरे को पता है। ठीक है मैं समझ गया, मुझे पता चल गया तुम मुझसे ही प्यार करते हो। हाँ किसी और से नहीं करते, मुझे पता है। ठीक है बहुत अच्छा बाबू, मैं तुमसे एक बात बोलूँ? हाँ बोलो। क्या है ना, मेरे एग्जाम आने वाले हैं और एग्जाम फीस तो क्या 50,000 रुपये मिल सकते हैं मेरे को? अभी मेरे को रिसेंटली ज़रूरत है, मैं तुम्हें बाद में करवा दूँगी, लेकिन अभी रिसेंटली मेरे को चाहिए, इसीलिए। पहले भी ले चुके हो ना आप तो पैसे? बाबू पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पता ही है पढ़ाई के चक्कर में पैसा लगता है ना। तो अभी फैमिली पे है नहीं, इसलिए मैं आपसे मदद मांगना चाह रही हूँ। मेरे एग्ज़ाम चले जाएंगे तो फिर मैं फालतू में मेरा इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा पढ़ाई का। प्लीज़ आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। हेल्प मांग रही हो या कुछ और ही मतलब है तुम्हारा? कुछ और मतलब क्या होगा, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपसे मैं अपनी शादी भी आपसे ही करूँगी। पर प्लीज मुझे नहीं करनी, लेकिन अब शादी वादी नहीं करनी, क्योंकि मेरे को लगता है कि आप मेरे को कट कर रहे हो, बहुत लूट रहे हो। क्योंकि पढ़ाई में इतना कर रही हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ यार, मैं आपके साथ रह रही हूँ, मतलब इतना तो आप कर ही सकते हो ना मेरे लिए? हाँ ठीक है, मैं कर ही रहा हूँ जब से, तो मैंने कुछ ऐसा तो गलत किया नहीं, कभी मना तो किया नहीं आज, लेकिन मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब क्या लग रहा है चाहते हैं? ठीक है ठीक है, मैं कर देता हूँ तुम्हारे उसमें अकाउंट। ठीक है ठीक है, देखना ये तुम्हारा ही अकाउंट नंबर है ये क्या है ये? ये वही वीडियो है जो मैं दिखाना चाह रहा था उतने टाइम से। तुम पागल आगल हो गए हो क्या? क्या दिखा रहे हो ये सब? जो सच है वही दिखाया मैंने। तो ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हें पता चला ना, तुम्हारे ऐसे ना चार है मेरे पास। ठीक है तो तुम मेरे को धोखा क्यों दे रही हो? तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ थी, ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हें पता चली। मैं तो वैसे भी चाह रही थी तुम्हें छोड़ दूँ, सोचा एक बार और पैसे ले लेती हूँ, कोई बात नहीं। मैंने तुमसे सच्चा प्यार कर दिया, लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? धोखा किया मैंने? अरे जाओ, मैंने तुमसे प्यार ही नहीं किया कभी आज तक, हद है। ना प्यार, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती। तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं इतने टाइम से टाइम पास नहीं कर रहा था? तुम्हें समझ नहीं पता नहीं है क्या? कौन सा टाइम? क्यों? मैं तो टाइम पास कर रही थी। मैंने नहीं किया ना टाइम पास, तुमने क्यों किया मेरे साथ टाइम पास? मैं कोई प्यार नहीं करती, तुम्हें जाना है जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे जैसे और है मेरे पास। ऐसे क्यों किया तुमने मेरे साथ गलत? हटो यहां से तुम। क्यों? तुम्हारे से प्यार करूंगी मैं? अरे जाओ, मेरे पास और भी लोग है, ठीक है ना? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार। मान जाओ प्लीज, मैं कोई मैं नहीं मानने वाली। प्लीज जाना ही नहीं जाना, जाओ यहाँ से, कोई प्यार व्यार नहीं है। तुम्हारे पैसे से मतलब है, पैसे निकालो। प्लीज प्लीज क्या प्लीज क्या पहले तुम पैसे दो। बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज छोड़ दो। ओ क्या बे, क्या ड्रामा है, कैसे मार रही थी इसको? भाई तू खड़ा खड़ा यार, तू खड़ा। अरे रुक जा, कौन हूँ मैं? दिमाग मत खराब कर, फालतू का दिमाग मत खराब कर, बैठ भाई बैठ। मतलब है तू इसके पैरों में कहाँ पड़ रहा है? ये इसकी हालत देखिए तूने, है ये तुझे दिख रहे किसी एंगल से तेरे प्यार करने लायक? साला किसी बात जिंदगी में इसने प्यार नहीं करा होगा, प्यार करेगी ये। अरे मैं जो कोई भी हूँ, तू एक बात बता, उस लड़के को लूट क्यों रही है तू? मैं कुछ भी करूँ मेरा बंदा है। अच्छा तेरा बंदा तो तू लूट लेगी, तेरा बंदा है। मैं बताऊँ मैं कौन हूँ? फालतू की बातें नहीं, जितना कह रहा ना उतना। हाँ अरे कसम से बताऊँ ना, बुरी हालत करूँ, लात उठाए क्या? क्या कर रही है? यूपी वाले को समझ तू लूट रही है? तुम्हारा प्यार है, ऐसे प्यार ऐसे प्यार होता है? हाँ ऐसे प्यार होता है ना, उसको किसी को भी लूटूं वो आ जाना। लूट रही है तू, समझ में नहीं आ रहा इज्जत से बात कर रहा है तू? तू काय का एक का लड़की नाम पे तू कला के बैठ यहाँ पे, बैठ यहाँ पे। मैंने ये सब करके तेरे को क्या मिलेगा? कुछ भी मिले, कुछ भी मिलेगा, सर्व नाम का चीज नहीं है। बाबू सोना चार है, ले भाई साहब ये तो पहले से तैयार है, वो मेरे अपनी
मर्जी से मेरे साथ रह रहा था। अरे इसकी जिंदगी तो देख बिचारे की, इसने अपनी हालत क्या कर ली, देख देख हालत, हालत देख इसकी। अपनी मर्जी से मेरे को साथ रह रहा था, मैं इनको यही ना गलती की यार, तुम जैसे लड़कियों के बारे में पहले जानता नहीं है, अब प्यार हो जाता है इसको, अब तू चुतिया काट रही है, तब से तो लूटी जा रही है। अरे भाई तुझे सर मैम अच्छी नहीं है, सर नहीं है, सर सर तो है ही है, तू अच्छी है, अपनी मर्जी से साथ रह रहा है इतना कुछ होने के बाद भी। अरे अब मिलेगा तेरे को करके, कुछ भी मिले, तुम कौन होते हो बोलने वाले, शर्म करो ना, तुम निकलो यहाँ से, कौन हो तुम, अरे निकले, अरे रिक्वेस्ट कर रहे, तूने बहुत परेशान कर लिया वैसे भी मुझे, ठीक है बहुत लूट लिया, अब नहीं लूट पाएगी मेरे को, ये तेरे को हम समझा, अब नहीं लूट पाएगी मेरे को, मेरे को सब समझ आ गया, सब समझ आ गया, पैसे देगा ऐसे नहीं तो, अब अलग तरीके से पैसे, तू निकलवा के दिखा दे मुझसे पैसे, मैं नहीं दे सकता पैसे, मेरे को सब समझ आ गया, तेरी चाल वाली सारी कुछ समझ आ गई, ठीक है रेप का केस दलवाऊंगी तेरे ऊपर, दलवा देना तो रेप का केस, क्या शर्म नहीं आ रहा, इज्जत तेरा दोनों का ना जाएगा उसमें, बोले बड़ी बहुत बेशरम है यार, ये पैसे मुझे नहीं पता था इतनी बेशरम और इतनी गिरी हुई लड़की है ये, मुझे नहीं पता था इतनी बेशरम और गिरी हुई है, पैसे कमा रही है तू ना, मैं तो धोखा खा रहा था जब से इसके साथ था रिलेशन, मुझे नहीं पता था इसकी ये ऐसी गंदी हरकतें करेगी, अरे हमारी बातें चल रही थी, मैंने बुलाया है, मैंने बुलाया है, तेरा पर्दाफाश करने के लिए बुलाया है, इसके घर वालों का नंबर है तेरे पास, नंबर तो है मेरे पास इसके घर वालों का नंबर, घर वालों से बात फोन करने की, बात कर लेते ना बात करेगा, तेरे तेरे घटिया लड़की का तेरे घर वाले ही ठीक कर सकते हैं, मैं डालना ना डरा रही है काम को, बात करो डरा रही है, मिला मिला, कुछ लोग लात से ही मानते हैं, बात से कोई समझता नहीं, किसका नंबर है, तेरी मम्मी का नंबर है, नहीं नंबर थे भाई, अब क्यों घबरा रही है, फोन से क्या दिक्कत है, चार चार लड़के से प्यार करती है ना, सबके सामने बोल रही है, जब तो शर्म नहीं आ रही थी अब डर लग रहा है तुझे, अब शर्म आ रही है तुझे, उम्र भी देखिए भाई इसकी, उम्र तो देख लो, उम्र देखो, अरे तुझे तो शर्म आनी चाहिए, तू क्या तू नहीं अंदर था क्या, तू ऐसे कपड़े पहनने वाली को ये हॉस्टल में रहती है, इसकी हालत किन देगा तुझे, क्या कर रही है ये साला, जो तू पैसा देता है ना कमा के, ये देख साला जूतों में कपड़ों में इनमें सारा सब कुछ, मेरे को लेकिन अब समझ आ गया सब, अरे अपने माँ बाप के बारे में तो सोचा होता, समझ आ रहा है तेरे को बहुत, इसके तो कर्म ही देख ले, इसके तो कर्म ही देख ले, मिला ना इसकी माँ का नंबर, मिला इसकी माँ का नंबर, मिला हाथ मत उठा, बता रहा हूँ नहीं तो हाथ कैसे उठता है, अरे कोई नहीं जा रहा दोनों के बारे में, अब तो तेरे को ना ये पूरा जहान देखेगा, अभी रुक जा, अभी दिखाता हूँ तेरे को मैं, इसकी माँ से बात करो, वो बताएगी इसकी माँ क्या ड्रामे करती है, ये पता नहीं साला पूरे परिवार ने ये काम ले रखा है क्या, बात कर रहे दो मिनट, ठीक है जिंदगी बर्बाद ही करती है तू, पता नहीं कहाँ तू अपनी स्टेसी मरवा रहा है इसके चक्करों में, पता नहीं कहाँ के कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, फोन लो, क्या फोन लगा रहे हो, फोन अच्छी नहीं है रे बार बार, फोन अच्छी नहीं है, इज्जत समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आएगा, अब तू जाएगी नहीं यहाँ से, यही बैठ, रुक भाई मैसेज डाल देते, अबे तू तो कम से कम ये तो सोचा होता, वो लड़का तेरे से पैरों में पड़ रहा है, तेरे से सच्चा प्यार करता है, और तू उसकी मैसेज डाल दी, हालत देखी है तूने, क्या हालत हो रखी है उसकी, मैसेज चला गया है, तू इसका वीडियो अब तेरे घर में सब पता लग जाएगा, देख तुझे देख वहां पे वो लगा हुआ कैमरा सामने, वहां देख कैमरा लगवाया मैंने, प्लानिंग करके करवाया, क्यों लगाया आप, अरे तुम्हारा मूवी रिकॉर्ड कर रहा है ना, तू जो मूवी कर रही थी, शादी की मूवी है ना तेरी, शादी करनी थी ना मुझसे, शादी करनी थी, चार चार लड़के से तू प्यार कर, अब शादी करेंगे ना कैमरे की वीडियो के साथ, है ना, अच्छी सी रिसेप्शन करवाएंगे, ठीक है बाबू, अब बाबू हो गया मैं, खुलते खुलते बाबू ना, नहीं अब तो शादी करेंगे, अच्छे से खूब घूमेंगे, मस्त मजे में लेंगे, किसके बातों में आएंगे बताना, किसके बातों में, हकीकत पता चल गई तो बातों में आने लग गया मैं, अब वो भी कहते हैं ना ये जो फोन में चीजें दिखी हैं, बाबू झूला झूला होता है, क्या कहते हैं झूला झूलाएंगे, अब बाकी आई थी बाबू चार चार सूरज क्या था वो, अरे साला बहुत चूतिया बनाया इसने, ऐसी लड़कियां ना, ऐसी लड़कियां दूसरों की जिंदगी तबाह करती है, और ये देख ले लाइव है ये जिंदगी की तबाह करने वाली, भैया आप लोगों की वैसे मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई बस, अरे ये शुक्र है बर्बाद होने से नहीं, शुक्र कर, तू पता नहीं कैसा आदमी है, मेरे घर वाले और मैं बर्बाद हो जाता हूं, अरे चले देते हैं उसके, उनको पूरा चल 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 ना, बोल दिए अब तो तेरी माँ को, अब तो तेरी माँ के पास ही लेके चलेंगे, खड़ी हो चल चल, तेरी माँ के पास ही लेके आगे को चलना, तू भी चल चल, खड़ा हो गए, तू बड़ा बन रहा था ना इसका हिमायती, अबे तुझे तो समझदार होना, तू तो समझदार है, नहीं तो बड़ा है, क्या कर रहे हैं भैया, लेकिन अब अरे पागल है ये भाई, ये ड्रामा कर रही है अभी, इसके साथ लूटपाट कर ली ना, ये ड्रामा ना रहा, फिर वो कर रही है यार, इसको बोलो ना यहाँ से जाने के लिए, भैया यहाँ से चली जाए, यहाँ से बोलो ना इसको, बोलो इसको यहाँ से चले जाए।